मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो सुबह सुबह मैं बाहर की तरफ देखता हूँ तो बाहर बहुत ज़्यादा धुंध दिखती है मुझे। उसके बाद मैं टाइम लैप्स के लिए मेरा फ़ोन यहाँ पे रख जाता हूँ और उसके बाद आप टाइम लैप्स देखिए। तो आज हम लेने चलते हैं घर के लिए सामान, तो चलो चलते हैं। यहाँ से मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ, से हम ऑटो के अंदर जाते हैं। तो हम मार्ट के बाहर पहुँच जाते हैं, हमें जो जो सामान चाहिए होता है वो हम बकेट के अंदर डाल लेते हैं और इसका बिल बनवा लेते हैं। फिर हम घर आ जाते हैं और सारे सामान को चेक करते हैं, सारा सामान आ गया या कुछ रह गया। फिर आके मैंने चाय पी, फिर मैं डिनर करने लग जाता हूँ। फिर डिनर में चावल, मिर्ची और रोटी। डिनर करने के बाद मैं सोने चला जाता और मैं अचानक से ही उठता हूँ, पे चला जाता हूँ, बाहर का एनवायरनमेंट देखता हूँ। बाहर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, उस छत पे पटाखे और डीजे का शोर हो रहा होता है। फिर मेरे पास भैया का वीडियो कॉल आता है तो मैं नीचे चला जाता हूँ और मैं वीडियो कॉल तो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, बट भैया वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो मेरे को भेज देते हैं। कांपे की पार्टी चल रही है और कोई सोने की बात करे उसको मारो कान के नीचे दो चपड़े। पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट देख के तब ये पार्ट आपको समझ में आएगा। अभी बज रहे थे रात के 1 और मेरे को लग चुकी है भूख, तो मैं किचन में जाता हूँ अपने लिए मैगी बनाता हूँ। मैगी जब तक बन के रेडी हो रही है आप तब तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैगी बन के रेडी हो चुकी है तो इसको मैं अभी खा लेता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। को लेट सोने की वजह से सुबह लेट उठता हूँ और मैं पर्दे को साइड में करके विंडो को खोलता हूँ और बाहर का एनवायरनमेंट देखता हूँ। बाहर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, आज धूप आ रही है बाहर। फिर मैं चाय पीता हूँ, फिर काफ़ी देर बाद मैं लंच कर लेता हूँ। लंच करने के बाद मैं सीढ़ियों से बाहर चला जाता हूँ को। और आपको ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और ब्लॉग के अंदर आप कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तक आज की सुबह हो रही है गांव में, जो आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पे सुबह सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से चाय और बिस्कुट रूम में ही लेके आ जाता है। काफ़ी टाइम बाद मैं खाना खा लेता हूँ, फिर काफ़ी देर बाद मैं चाय पीता हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। आप कमेंट करके बता सकते हो कौन कौन टी लवर है। और उसके बाद जाने वाले हम अपने फ्लैट पर, तो मैं फ्लैट में जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता हूँ और गाँव का टाइम लैप्स देख सकते हो रास्ते का। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं थोड़ा घर पे लेट पहुँचता हूँ। फिर मैं फ़ोन चला चलाते ही मेरा फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है, तो मेरे को लगता है क्या होगा। फिर पता चलता है कि इसमें न्यू अपडेट आया है, तो ये अपडेट हो रहा है। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। हेलो गाइज, तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो मैं सुबह सुबह उठता हूँ और सुबह उठने के बाद मैं चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद मैं बाहर देखता हूँ तो बाहर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो रहा होता है, तो मैं सनराइज़ की टाइमलेस बनाता हूँ जो आप अभी देख सकते हो। तो आज मेरा पार्सल आता है तो पार्सल को अनबॉक्स करते हैं। चलो चलिए, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो मैं इनको ओपन करके बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैं ऑर्डर करता हूँ ईयरबड्स, तो मैंने ईयरबड्स विंग्स के मंगवाए हैं। तो मैं इनको ओपन करता हूँ और इनकी बिल्ड क्वालिटी अपन देखेंगे, तो बिल्ड क्वालिटी देखने में ठीक लग रही है। और इसके अंदर एक सी केबल और इनके ईयर टिप्स आते हैं, दो मीडियम और लार्ज। आपका आज का व्लॉग कैसा लगा लाइक एंड कमेंट। हेलो गाइस, तो आप सब लोग कैसे हो? तो आज मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, उठ जाने के बाद मैं चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद आज हम जाने वाले हैं जयपुर, तो जयपुर जाने के लिए मैं कैब के अंदर बैठ जाता हूँ। बैठ जाने के बाद आप टाइम लैप्स देख सकते हैं, जितनी देर में आप टाइम लैप्स देखते हो उतनी देर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मेरे को लग चुकी है भूख, तो मैं चीज़ मैगी खाता हूँ और चाय लेता हूँ। घर आते हैं तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है उसकी वजह से हम लेट हो जाते हैं। फिर मैं घर आने के बाद खाना खाकर सो जाता हूँ। हाय गाइज, वेलकम टू बैक माई मिनी अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिसे कभी आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत कम होता है। अभी जो आप सन एंड क्लाउड का टाइम लैप्स देखोगे, ये बहुत कम बार होता है कि दोनों एक साथ हो।
जितनी देर में टाइम लैप्स बन रहा है मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज चला जाता हूँ। कॉलेज जाने के बाद मैं वापस आके खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं हेयर कट कराने के लिए सैलून में चला जाता हूँ। सैलून में जाने के बाद मैं हेयर कट कराता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कीजिए। फिर मैं हेयर कट करा लेता हूँ, देख सकते हो आप कैसा लग रहा है। दैट्स इट। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय। आप देख सकते हो मैंने फाइनली वाईफाई लगवा ली है, तो इसका वायर बहुत अच्छे तरीके से भैया ने इधर से खिड़की से निकाल के और बाहर की तरफ सेट किया था। जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ये जा रहा है, और भैया ने वहां से उस खंबे से वाईफाई आई थी तो वैसे घूम के ऐसे इस गली से आई है, वो देख सकते हो आप। दैट्स इट टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई मिनी व्लॉग। तो आज है मकर संक्रांति, तो हम उड़ाने वाले हैं पतंग। तो पतंग उड़ाने से पहले हम करते हैं अपनी पेट पूजा। तो घर पे बनाए हैं दाल के पकोड़े। पेट पूजा करने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ छत पे। छत पे जाके देखता हूँ तो चारों तरफ बहुत सारे पतंग उड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं वापस से नीचे चला जाता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही थी। फिर मैं काफ़ी देर सोने के बाद फ़ोन चला रहा था तो मेरे दोस्त इंस्टाग्राम पर लाइव आ रहा, तो मैंने देखा बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है। तो मैं उठ के छत पे चला गया, तो छत पे देखता हूँ तो चारों ओर गुब्बारे उड़ रहे थे, तो वो आसमान में बहुत अच्छे लग रहे। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एंड आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स इट टुडे।